तो अल्लाह ने हमें इज्जत के तौर पे दे दी। तो किसी को अगर कुर्सी पेश की जाए कि ये ले जनाब कुर्सी है, इस पर बैठ जाए, तो कोई शुक्रिया के साथ कहता है कि मेरी इज्जत की गई है, मुझे कुर्सी दी गई है बैठने के लिए। तो वहां पर अगर खूनखार भेड़िया अगर किसी के सामने खड़ा किया जाए तो वो क्या कहेगा कि दफा करो कहीं कांगड़ा पकड़ ले। और इसी तरह वहां पर अगर बंदूक हो, तीर हो, कोई भी ऐसा आला हो, वो अगर सामने किया जाए तो लोग कहते हैं बड़ा बदतमीज है कि तू हमारे सामने ये किस तरह की खिलौने बंदूक और तीर लेके खड़ा हो गया। तो मेरे अजीज भाइयों, निशान की बात की जाए तो अल्लाह ने इज्जत निशान के तौर पर भी हमें दी है, और अगर लीडर के तौर पे बात की जाए तो सियासी पार्टियों के जितने भी लीडर हैं, अगर उन लीडरों को देखा जाए तो उन लीडरों की सबके अंदर अगर हमारे लीडर को रखा जाए तो उसके ऊपर कोई कदर नहीं लगा सकता। और अगर मंशूर की बात की जाए तो हमारा मंशूर इल्हामी मंशूर है, जिसके ऊपर कोई कदर नहीं लगाई जा सकती, कोई शिकवा शिकायत नहीं लगाया जा सकता। क्यों? कि वो दुनिया का बनाया हुआ दस्तूर और मंशूर नहीं है, वो इल्हामी है, अल्लाह की तरफ से नाज़िल भी अल्लाह है। वो सियासत जो हम करते हैं वो इन गंदी नालियों की सियासत नहीं है। हमारी नजर तो बहुत दूर है, हम तो देखते हैं कि हमारे ये बच्चे जो छोटे छोटे इस वक्त गली कूचों के अंदर खेल रहे हैं, ये बच्चे क्या याद करेंगे। जिस तरह हम देखते हैं आज कि हमारे बड़ों ने पाकिस्तान के लिए क्या किया, हमारे इस गांव के लिए क्या किया, हमारी नस्लें लोगों के लिए क्या किया, जिस तरह हम आज देखते हैं तो हमें परेशानियों मायूसियों के अलावा कोई चीज नजर नहीं आती, ना अच्छी यूनिवर्सिटी, ना अच्छा कॉलेज, और ना ही हमारे गुजरांवाला के अंदर, इस शहर के अंदर ना कोई चाइल्ड हॉस्पिटल और ना ही हाई कोर्ट का बेंच। आज सेशन कोर्ट से मुकदमा जो हार जाता है हाई कोर्ट का रुख करता है, तो हाई कोर्ट के वहां वकला की फीसें हमारे पास की बात ही नहीं है। तो भाई ये वो बातें हैं जो इस छोटी नस्ल के काम आने वाली है। तो क्या किया इन लोगों ने? वो गुजरा वाला जिला जिसका रेवेन्यू पंजाब के बहुत बड़े शहरों के बराबर है, यहां का फंड और टैक्स जो हम पे करते हैं वो हमारे ऊपर नहीं लगाया गया। क्या हुआ कि जिला गुजरा वाले के हिस्से बखरे किए गए, वो 40 साल से जो हुकूमतों में थे उन्होंने गुजरा वाला के लिए, पका के लिए, इसकी इज्जत के लिए, हमारी नस्ल नौ के लिए क्या किया कि गुजरा वाला से वजीराबाद का हिस्सा काट के अलहदा कर दिया, डिवीजन को काटा तो गुजरात को अलहदा कर दिया। कहां गया रेवेन्यू, कहां गई अदालतें, ना हमारे इस गुजरा वाले के पास इज्जत रही, ना कॉलेज रहे, ना यूनिवर्सिटी आई यहां पे, ना मोटरवे का लिंक आया। और अगर हमारे शोर मचाने के ऊपर अगर मिला भी तो वो कहां, पहले जाओ उधर मोड़ इमनाबाद, वहां से जाओ बांडो, और बांडो से होके फिर जनाब हम लाहौर और पिंडी का रुख करें। बेतुकी बात। तो मेरे अजीज भाइयों, हमारा हक है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसे काम कर जाएं कि जो हमें अच्छा याद करें कि हमारे बड़ों के लिए कोई मेहनत की थी। जिस तरह मैं आपके सामने मसाले रखता हूं, इस लद्देवाला बैराज की सड़कें, भाई जो बात कर रहे थे थरपारकर की, कश्मीर की, फलस्तीन की, तो हम वो लोग हैं जो मुसलमान दुनिया के अंदर जहां कहीं भी है तो उसकी दुखों का मदावा करने वाले हैं। अबूबत उसको कहते हैं चुबे कांटा जो काबल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवाब बेताब हो जाए। तो हम तो देखते हैं अगर अफगानिस्तान के अंदर हमारे कश्मीरी भाई को दुख है, तकलीफ है, तो हम यहां नहीं बैठे, हम वहां पहुंचे। अगर अफगानिस्तान का मसला आया
तो हमने अकेला ना छोड़ा। अगर आज फलस्तीन का मसला है तो आज हमने उनको भी अकेला नहीं छोड़ा। 4 माह होने को है, तारीख उठा के देखे कि फलस्तीन का मसला महीने से ज्यादा नहीं चला, तो अब 4 माह हो चुके हैं। इसराइल परेशान है, इसराइल के पुश्तेबान परेशान है कि क्या वजह है कि फलस्तीन ये मसाइल में कम लोग, थोड़े लोग आज किस तरह हमारे सामने खड़े हैं। तो मेरे अजीज भाइयों, ये शोर भाई जरा प्लीज,